स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, हमारा बायसेक्शन मेथड कंप्लीट हो चुका है, बीएससी फोर्थ सेम न्यूमेरिक मेथड का। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चंस में डाउट अभी तक मेरे पास आया नहीं है। होंगे तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगी कमेंट बॉक्स में चेक करके। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है मेथड ऑफ रेगुला फालसी और फाल्स पोजिशन। तो मेथड का नेम क्या है? रेगुला फाल्सी या फाल्स पोजीशन। इस मेथड, जो ये वाला मेथड है, हमारा बायसेक्शन मेथड से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? बायसेक्शन मेथड में भी हम दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट लेके चलते थे। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा? दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन। ओल्डेस्ट बहुत पुराना मेथड है एंड क्लोजली रिजेंबल, रिजेंबल मतलब सेम है किससे? बायसेक्शन मेथड से। इन दिस मेथड हम क्या करेंगे? रियल रूट किसी इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करेंगे। वो इक्वेशन हमारी होगी एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। वी चूज ए सफिशियंटली स्मॉल इंटरवल, किसी स्मॉल इंटरवल के लिए, जिसको मैं नाम दूंगी एक्स नॉट कोमा एक्स वन के लिए मैं डिफाइन करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, इन विच हमारा जो रूट है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सिंस रूट लाइट इन द इंटरवल ऑफ ग्राफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मस्ट क्रॉक्स जो हमारी x एक्सिस पे है वो क्या जाएगी? x नॉट एंड x1, वेयर एफ एक्स नॉट एंड एफ एक्स वन आर द अपोजिट साइन। तो हमारा बायसेक्शन मेथड में भी क्या होता था? अपोजिट साइन होता था। ऐसे ही जो हमारा रेगुलर फालसी मेथड है उसमें भी एक हमारा पॉजिटिव साइन होगा और एक नेगेटिव, इसलिए इन्होंने अपोजिट साइन को डिफाइन किया। वी आर टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मैं एक्स एक्सिस की कर्व बनाऊंगी। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ए वेरी स्मॉल इंटरवल, किसी छोटे इंटरवल के लिए ये डिफाइन होगा ग्राफ के ऊपर, एज कंसिडरिंग ए स्ट्रेट लाइन। दस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी विद एक्स एक्सिस गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जो एक पॉइंट मिलेगा वो हमारा अप्रोक्स रूट होगा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी? ए के लिए एक्स नॉट कोमा एफ एक्स नॉट और बी के लिए क्या होगी? एक्स वन कोमा एफ एक्स वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ देखो, मेरा एक्स एक्सिस पे क्या लाई कर रहा है? एक्स नॉट और एक मेरा एक्स वन। एक्स नॉट को मैं ए नाम दे रही हूँ, वहां पे मेरा पॉइंट है एक्स नॉट एफ एक्स नॉट और बी पे मेरा नाम है एक्स वन बाय एफ एक्स वन। तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ कर्व सॉरी y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो जो ये फॉर्मूला है कैसे डिफाइन हुआ है हमारा y और x के लिए? तो हमारा, मैं y2 टू पे देखूंगी मेरा क्या है x1, एफ एक्स वन, तो एफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइड वन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? तो y2 टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई बाई एक्स के लिए डिफाइन है। तो मेरी इक्वेशन बनेगी y माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स नॉट और x माइनस एक्स नॉट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइड विद x एक्सिस, जिसपे हमारा y क्या होगा? जीरो पुट करेंगे। जब हम y जीरो पुट करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी ये वैल्यू डिफाइन हो गई है और ये हमारा क्या है? इंट्रेटिव फॉर्मूला है फॉर रेगुलर फालसी मेथड के लिए। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। मैं x1 के लिए वैल्यू निकाल लूंगी तो किस पे डिफाइन होगी? x1 और x0 पे वैल्यू डिफाइन होगी। तो फॉर्मूला क्या है? x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड बाय फंक्शन की वैल्यू x1 पे माइनस फंक्शन की वैल्यू x0 पे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x0 से, फंक्शन के x0 से। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा बता रही हूँ, ये रहा x1 की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे? x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड बाय फंक्शन fx1 पे माइनस फंक्शन की वैल्यू fx0 पे, जिसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? fx0 से। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। वियर x1 fx1 आर ऑफ अपोजिट साइन, यही मैंने बताया x1 और x0 है वो हमारा किसके लिए होना चाहिए? अपोजिट साइन को डिफाइन करना चाहिए। जो हमारी वैल्यू आएगी, आगे आगे हमें अप्रोक्स रूट निकालना है, तो एक वैल्यू भी निकालनी है, दो इटरेटिव, थ्री इटरेटिव, फोर इटरेटिव, इसमें अप्रोक्स चार पांच ही निकालनी होती है। तो वैल्यू हम कैसे लेके चलेंगे? अगर हमारी x1 की पॉजिटिव आ रही है तो x0 की हम नेगेटिव लेंगे, अगर x2 की मेरी नेगेटिव आ रही है तो मेरी x0 की मैं पॉजिटिव लेके चलूंगी। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? तो स्टूडेंट्स, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन इटरेटिव प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? बाय रेगुलर फालसी मेथड हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, 14 में, 13 में, 12 में, के यू के 2000 में भी आया हुआ है।
स्टूडेंट्स आपको पता है जो हमारी रूट ऑफ इक्वेशन होती है वो एफ एक्स इक्वल जीरो के लिए होती है, तो हमने उस इक्वेशन के लिए एक अल्फा रूट किया है जिसके लिए हमारा एफ अल्फा भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के लिए। ई आई क्या है, मेरा एरर है आई एथ अप्रोक्स के लिए, जो स्मॉल क्वांटिटी में चेंज आ रहा है एक्स आई की, वो है हमारा अल्फा। तो एक्स आई में किसका चेंज आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है अल्फा, किसके लिए, ई आई के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, एक्स आई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ई आई, वेयर ई आई इज द एरर ऑफ एन आई एथ अप्रोक्स। अब मैं एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन करूंगी, एक नेगेटिव के लिए। जब मैं आईएथ में वन ऐड कर रही हूँ तो मेरा एरर में भी वन ऐड होगा, ऐसे ही मैं आईएथ में वन माइनस करूंगी तो मेरा एरर में भी वन माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा इटरेटिव प्रोसेस को हम पी से डिफाइन करते हैं, वेयर पी इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके स्टूडेंट, पी क्या है, लार्जेस्ट नंबर है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो लिमिट है आईएथ अप्रोक्स की वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, वेयर ई आई प्लस वन आई एथ वन के लिए जो आई ई आई की पावर है पी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होगी के से, वेयर के इज एन फाइनाइट नंबर के लिए हमने यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ऑर्डर ऑन कन्वर्जेंस को हम डिफाइन करेंगे रेगुलर फालसे के लिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अल्फा रूट लिया है एफ एक्स जीरो के लिए, जिसमें ई आई एथ माइनस वन हमारी एक स्मॉल क्वांटिटी है, जो एक्स आई माइनस जो हमारा एक्स आई एथ माइनस वन में डिफरेंट है अल्फा से। तो हमारी तीन इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले मैंने एक्स आई एथ को अल्फा से डिफर किया तो मेरी वैल्यू आई ई आई, मैंने उसमें आई एथ में माइनस वन किया तो मेरी एरर में भी चेंज आया, जब ऐड किया तो एरर में भी ऐड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करी हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस वन एक्स आई प्लस वन को मैं रेगुलर फालसी इटरेटिव फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था, ये रहा मेरा एक्स आई एफ एक्स आई माइनस एक्स आई एफ एक्स आई माइनस वन एफ एक्स आई माइनस वन, मतलब ये क्या है एक्स वन एक्स नॉट, ये चीज को डिफाइन करा है। स्टूडेंट्स प्लीज कंफ्यूज ना होए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है, तो मैं इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो जैसे मैंने देखो एक्स आई माइनस वन की वैल्यू मेरी यहां से क्या आ रही है, ई आई माइनस वन प्लस अल्फा, तो मैंने एक्स आई माइनस वन की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद मेरे को एफ एक्स आई की वैल्यू क्या है, यहां से मेरी ई आई प्लस अल्फा, तो मैंने यहाँ ई आई प्लस अल्फा को पुट कर दिया, माइनस मेरा माइनस एज इट इज। एक्स आई की वैल्यू मेरी क्या आई, ई आई प्लस अल्फा। फंक्शन के लिए एक्स आई माइनस वन की वैल्यू क्या है, ई आई माइनस वन प्लस अल्फा। ऐसे डेनोमिनेटर में फंक्शन की वैल्यू एक्स आई के लिए क्या है, ई आई प्लस अल्फा, और ई आई माइनस वन के लिए क्या है, ई आई माइनस वन अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, और मेरा राइट हैंड साइड में आई वन प्लस के लिए निकाल रहे हैं हम, तो आई एथ वन के लिए क्या हो जाएगी, ई आई वन प्लस अल्फा, ये यहां से आई, जो किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वन के लिए। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। तो मैं क्या कर रही हूँ, अल्फा की वैल्यू को अलग कर रही हूँ, ई आई एथ माइनस वन की वैल्यू को अलग कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ई आई माइनस वन को मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बनेगा, एफ ई आई प्लस अल्फा, ये बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं दोबारा अल्फा को करूंगी तो अल्फा की मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या बनेगा, एफ ई आई प्लस अल्फा कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, माइनस, मेरा माइनस का साइन है, ई आई के लिए करूंगी, क्या होगा, एफ ई आई माइनस वन प्लस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, और अल्फा के लिए करूंगी जब मैं यहां पर, तो माइनस अल्फा क्या होगा, ई आई माइनस वन प्लस अल्फा। तो स्टूडेंट्स मैंने दोनों वैल्यूज को अलग अलग कर दिया, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, पहले ई आई को अलग कर लिया और अल्फा की वैल्यू को अलग कर लिया, तो मेरी ई आई की वैल्यू क्या आ रही थी, एफ ई आई प्लस अल्फा, और यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ रही थी, ई आई माइनस वन प्लस अल्फा, और यहाँ से मेरी अल्फा की वैल्यू आई ई आई प्लस अल्फा माइनस एफ ई आई माइनस वन प्लस अल्फा, डेनोमिनेटर एज इट इज है। मैंने क्या किया, जो मेरी डेनोमिनेटर की वैल्यू है दोनों के नीचे अलग अलग रख ली, इसके नीचे मैंने अलग रख ली, इसके नीचे अलग रख ली, तो देखो जो मेरा राइट हैंड साइड में प्लस अल्फा वाली वैल्यू है उसमें एफ ई आई प्लस वन अल्फा, ई आई माइनस वन प्लस अल्फा, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी उसके नीचे डेनोमिनेटर एज इट इज है, तो मेरा प्लस अल्फा बचा, और मेरा एल एच एस में क्या है, ई आई प्लस वन इंटू प्लस अल्फा, तो मैंने अल्फा से अल्फा को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मेरी वैल्यू क्या बची आई एथ वन के लिए, ई आई माइनस वन एफ ई आई प्लस वन प्लस अल्फा माइनस ई आई एथ एफ ई आई माइनस वन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू बची है।
अब स्टूडेंट्स, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर करी है तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में कैलकुलस बुक पढ़ी है और उसके अंदर हमारी आती थी टेलर थ्योरम। वो हमारी क्या कहती थी, फंक्शन एक्स प्लस एच के लिए क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच, एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स अप टू सो ऑन। वो किसके लिए डिफाइन होती थी, एच एन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल एफ एन एक्स प्लस थीटा एच, जो उसमें चेंज आता था वो। तो हम टेलर थ्योरम लगाएंगे, न्यूमिरेटर के लिए अलग लगाएंगे, डिनोमिनेटर के लिए अलग। तो मेरा न्यूमिरेटर क्या है, ई आई माइनस वन एफ ई आई प्लस अल्फा, ई आई माइनस वन प्लस अल्फा, ठीक है। तो ई आई माइनस वन और ई आई मेरा एज इट इज रहेगा। मैं सिर्फ फंक्शन के लिए वैल्यू को टेलर थ्योरम लगा रही हूँ, ई आई प्लस अल्फा के लिए, ई आई माइनस वन अल्फा के लिए, अल्फा प्लस ई आई, अल्फा प्लस ई आई माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच लूँगी, मेरा क्या होगा, ये क्या है, एक्स है प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस ई की टू बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स। जो मेरा एक्स है वो अल्फा है और मेरा जो ई की वैल्यू है वो एच की वैल्यू चल रही है, समझ में आ गया। अप टू सो ऑन जाएगी, ऐसे ही मैं किसके लिए लगाऊंगी, ई आई माइनस वन, ई आई के लिए लगाऊंगी, ई आई माइनस वन के लिए मैं पहले लगा चुकी हूँ, अब मैं ई आई के लिए लगाऊंगी तो मेरा क्या होगा, एफ अल्फा, अब इसमें चेंज आएगा, माइनस वन हो जाएगा, फिर इसमें उसका स्क्वायर हो जाएगा, अप टू सो ऑन चलेगा। तो टेलर थ्योरम में एक रूल होता है कि भाई जो हमारी क्वांटिटीज़ होती है हम उसको अप टू सो ऑन थीटा एच के लिए डिफाइन करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज़ लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्या कहा है, अल्फ़ा रूट है एक्स इक्वल जीरो के लिए, तो अल्फ़ा भी हमारा जीरो हो जाएगा। और ई आई एच पहले ही बताया था दैट इट इज़ ए स्मॉल क्वांटिटी फॉर एक्स आई माइनस वन, तो जो भी हमारी हायर वैल्यूज़ हो रही है क्यूब के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज दीज आर द हायर डिग्री और हमें तो सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं एफ डबल डैश अल्फ़ा वाली वैल्यू ले रही हूँ, मेरी क्या बनेगी, ई आई माइनस वन, ई आई का स्केयर टू अल्फा एफ डबल डैश अल्फा। ऐसे ही मैं यहाँ पर किसके लिए लूँगी, ई आई माइनस वन का स्केयर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा ले ली। दोनों में से क्या कॉमन आ गया मेरा, एफ डबल डैश अल्फा, नीचे दोनों का टू फैक्टोरियल ले लिया तो क्या बचा, ई आई माइनस वन ई आई, और अंदर से कॉमन क्या आया, मैंने ई आई माइनस वन को कॉमन ले लिया तो मेरा बचा ई आई माइनस वन, क्योंकि मेरा ई आई का भी स्केयर है और ई आई माइनस वन का स्केयर है, तो यहाँ से एक ई आई बाहर आ गया, यहाँ से ई आई माइनस वन बाहर आ गया, तो इसलिए यहाँ पे एक ई आई बचा और एक ई आई माइनस वन बचा। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक तो मेरा न्यूमिनेटर सॉल्व हुआ है, अब मैं किसको सॉल्व करूँगी, डेनोमिनेटर को। तो मेरी डेनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एफ ई आई प्लस अल्फा, ई आई माइनस प्लस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अगेन मैं इसके ऊपर टेलर थ्योरम लगाऊंगी, अल्फा प्लस ई आई के लिए, अल्फा प्लस ई आई माइनस वन के लिए, अल्फा मेरा एक्स हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, एक्स प्लस एच। तो मेरा क्या होगा, अल्फा ई आई एफ डैश अल्फा वही सेम आ जाएगा माइनस, अब अल्फा प्लस ई आई माइनस वन के लिए होगा, अल्फा एज इट इज ई आई माइनस वन एफ डैश अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एच स्केयर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अप टू सो ऑन जाएगी, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, हम हायर डिग्री की इक्वेशंस को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो ई आई एथ है वो हमारी क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी है, क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है जो स्केयर की वैल्यूज है वो हायर डिग्री है, तो उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन। अब ये मेरा कैसे आया, ई आई माइनस ई आई माइनस वन एफ डैश अल्फा, क्योंकि हम हायर डिग्री को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एफ डैश अल्फा वाली ले रहे हैं। तो एफ डैश में मेरा क्या है, एक यहाँ से ई आई है और यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस का ई आई माइनस वन है और मेरा क्या है, एफ डैश अल्फा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने थर्ड इक्वेशन न्यूमिरेटर के लिए सॉल्व करी है, फोर्थ इक्वेशन मेरी डेनोमिनेटर के लिए सॉल्व हुई है। तो मेरी वैल्यू किस में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, मैं इक्वेशन टू में, जो मेरी इक्वेशन टू क्या है, ये ई आई प्लस वन के लिए, तो ई आई एथ वन रख दिया मैंने, सबसे पहले क्या रखी, एफ डबल डैश अल्फा न्यूमिरेटर की वैल्यू और फिर मैंने रखी एफ डैश अल्फा डेनोमिनेटर की वैल्यू। तो न्यूमिरेटर की वैल्यू क्या थी, ई आई एथ माइनस वन ई आई माइनस ई आई माइनस वन। तो स्टूडेंट्स देखो, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरा यहाँ से ई आई माइनस वन ई आई वाई माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ई आई माइनस वन डॉट ई आई एफ डबल डैश अल्फा, और यहाँ से क्या बचेगा, ई आई टू एफ डैश अल्फा, क्योंकि मेरा ई आई माइनस वन तो कैंसिल हो गया। अब मैंने क्या करा, जो मेरी एफ डबल डैश अल्फा बाई एफ डैश अल्फा टू एफ डैश अल्फा, इस वैल्यू को क्या नाम दे दिया, के नाम दे दिया, तो मेरा ऊपर क्या बचा, ई आई एथ माइनस वन मल्टीप्लाई ई आई एथ के लिए डॉट के। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा के किसके लिए डिफाइन हो गया, किसी फाइनाइट कॉन्स्टेंट के लिए जिसकी वैल्यू है एफ डबल डैश अल्फा बाई टू एफ डैश अल्फा। अब हमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस किसके लिए सॉल्व करना था,
हमें पी के लिए सॉल्व करना था, वेयर पी इज द इटरेटिव, पी क्या है मेरा इटरेटिव प्रोसेस होगा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, लार्जेस्ट नंबर के लिए सॉल्व करना है हमें. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने पी एक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को लेट किया है जिसकी वैल्यू मेरी क्या है, लिमिट आई टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेयर ई आई प्लस वन ई आई की पावर पी, वेयर पी इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ग्रेटर देन के है फाइनाइट नंबर के लिए. अब मैं के को तो ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ किसके लिए, एफ डबल डैश अल्फा बाई टू एफ डैश अल्फा. तो मेरी जो ये वैल्यू है मैं इसको के डैश के लिए लेट करूंगी, और जो मेरा के डैश क्या है एक फाइनाइट है, वो हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिया था. तो स्टूडेंट्स क्या करा मैंने, ई आई प्लस वन ई आई की पी इज इक्वल्स टू के डैश. तो मैंने ई आई प्लस वन को मुझे अकेला रखना है क्योंकि मैं ई आई एथ वन के लिए वैल्यू निकाल रही हूँ, तो मेरा यहाँ क्या बनेगा, के डैश ई आई की पावर पी. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया. अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में एक माइनस कर दूंगी तो वो ई आई बनेगा, और नीचे मैं क्या कर रही हूँ, अबव इक्वेशन में एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ माइनस वन को. तो मैंने माइनस वन करा, यहाँ ई आई आ गया और ये ई आई की है, तो ये ई आई माइनस वन की पावर पी बन गई. स्टूडेंट्स यहाँ पे की अकेला छुट्टा, तो ई आई एथ प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई ई आई एथ माइनस वन की पावर पी किसके लिए हो जाएगी, के डैश. मैं प्लस वन और माइनस वन कर रही हूँ, तो मेरा क्या बचा, ई आई एथ की माइनस वन की पावर पी इज इक्वल्स टू के डैश. अब यहाँ से मुझे ई आई की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आएगी, के डैश ई आई एथ माइनस वन की पावर पी, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब मैं ई आई एथ माइनस वन को अलग कर रही हूँ, तो मेरा ई आई डिवाइड बाय के डैश हो जाएगा, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो वन बाय पी हो गया. अब स्टूडेंट्स देखो, जो मेरी ई आई एथ प्लस वन की वैल्यू ऊपर से आई है, ई आई एथ माइनस वन की यहाँ से आई है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को किस में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर फाइव में, जो मेरी क्या है, ई आई माइनस वन ई आई. अब मैंने यहाँ से ई आई माइनस वन की वैल्यू निकाल ली और ई आई प्लस वन की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से मेरी ई आई डॉट के की वैल्यू आ जाएगी. तो आई प्लस वन की वैल्यू मेरी क्या है, के डैश ई आई पी. ओके स्टूडेंट, और आई माइनस वन की क्या है, ई आई बाई के डैश वन बाय पी, और मेरा ई डॉट ई आई एथ के लिए और डॉट के एज इट इज रहेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर रही हूँ, के डिवाइड बाई के डैश की पावर वन बाय पी, ई आई के लिए मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि बेस सेम है, पावर एड हो जाएगी, तो के एज इट इज वन प्लस वन बाय पी के डैश वन प्लस पी. तो मैं k एंड k डैश की वैल्यू को, k डैश मेरा किसके बराबर हो जाएगा, k डिवाइड बाई k डैश वन की पावर p, जो मेरी इक्वेशन एट से मुझे पता लगा. और मेरी इक्वेशन एट क्या थी, चूज़ करने के बाद मेरा क्या बचेगा, इक्वेशन एट से ई आई की p इज इक्वल्स टू ई आई की पावर वन प्लस वन बाय पी. ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नाइन बन गई. कुछ नहीं करना, बस हमें एलसीएम लेना है, ई आई से ई आई कैंसिल, बिकॉज बोथ साइड है तो हमारा कैंसिल हो जाता है. तो p किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस वन बाय पी, मुझे एलसीएम लेना है, p इज इक्वल्स टू p प्लस वन बाय पी. तो क्या हो जाएगा, पी स्केयर इज इक्वल्स टू p प्लस वन, तो मेरा क्या बनेगा, पी स्केयर माइनस पी माइनस वन इक्वल जीरो बन गई मेरी इक्वेशन. अब आपने डिस्क्रिमिनेंट रूल पढ़ा होगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, b का स्केयर प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको लगाना आता है. तो बी की वैल्यू मेरी क्या है, वन है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर क्या होगा, वन का स्केयर वन, और फोर ए सी की वैल्यू क्या है, वन वन जा वन होगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, फोर डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है, वन है, तो मेरा क्या आ गया, वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू. हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो जब आप वन प्लस रूट फाइव बाई टू इसको रेशनलाइज करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1.618, जो कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस रेगुलर फालसी मेथड की हमारी वैल्यू है 1.618. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको रेगुलर फालसी मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस समझ में आया होगा. एग्जाम वाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लियरली अच्छे से पढ़ लें, क्या पता एग्जाम में ये 4 मार्क्स का भी आ जाता है. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉर्ट आउट करा दूंगी. एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.